प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर लगाए जाने वाली रात्रि चौपाल के तहत एसपी सिटी सोनम कुमार ने कोतवाली थाने पर रात्रि चौपाल लगाया, जिसमें सबसे अधिक मामले ट्रैफिक जाम तथा पार्किंग के संबंधित आए। इस दौरान फरियादियों तथा स्थानीय पार्षद ने एसपी सिटी को समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर एसपी सिटी ने कहा कि समस्याओं को संज्ञान में लिया गया है, इसका निस्तारण किया जाएगा तथा कुछ समस्याएं अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन समस्याओं को संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान एसपी सिटी ने कोतवाली थाने से नखास होते हुए रीति चौक तक पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, बस निकल जाएगा। इसके अलावा अभी तो बस सीरियस है। ट्रैफिक वाला ही भाई साहब जो है उस जगह पे वो आपको वन वे करना पड़ेगा। कुछ समय पहले अली जो रेट थी वन वे रास्ता और बाएं साइड में अलिया चौड़े से भाई साहब मानस टागिज को जाने का वो भी पतला रास्ता है और वहाँ भी वन वे किया हुआ वो भी वहाँ तो चल सकता है। उस रोड पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है ये अलीनगर चौराहे से बक्सीपुर बीजे चौराह और अलीनगर चौराह से ये सराफा मंडी अति व्यस्त घनी आबादी होने के नाते और जिससे आज त्यौहार है इसने तो स्वाभाविक किया है। हाँ सराफा मंडी मर जाएगा लेकिन जा नहीं पाएगा। सर रात्रि चौपाल लगाया गया, किस तरह के मामले हैं, कितने ये यहाँ पर कोतवाली थाने पे चौपाल लगाया गया पुलिस चौपाल और इसमें जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे बात की गई है, रूट मार्च किया गया है। ट्रैफिक की समस्या मुख्यतः लोग बता रहे हैं, आप जो भी यहाँ के लोग हैं पार्षद हैं पूर्व पार्षद हैं तो उनकी समस्याएं नोट की जा रही हैं और संबंधित विभागों को इसके बारे में बताया जाएगा ताकि इसका निस्तारण किया जा सके। किस तरह के मामले हैं? देखिए अलग अलग तरह के मामले हैं, कुछ ट्रैफिक के भी हैं, कुछ बाकी समस्याएं भी हैं। इसके अतिरिक्त वादियों से भी बात की जा रही है, जो भी वादी हैं जिनके मुकदमे काफ़ी समय से पेंडिंग, उनको और विवेचक को सामने सामने करके
न्याय अभियान जैसा किया जा रहा है कि उनकी वेचनाओं का निस्तारण अतिशीघ्र हो जाए और वादी प्रसन्न चित्त से घर लौटे।